सुमन गिल ने मतलब तबाही फेर दिया ना। मतलब नरेंद्र मोदी स्टेडियम का अगर किसी को बादशाह कहना है ना तो उसका नाम है सुमन गिल। गिल है कि मानता नहीं, सेंचुरी के अलावा ये कुछ जानता नहीं भाई। ये बंदा नया किंग है, ये आने वाले वक्त का विराट कोहली है, मुझसे लिखवा लो। शुभमन गिल, ओहो शुभमन गिल, मैं कहूँ ना 2023 शुभमन गिल के नाम हुआ होगा तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। लेकिन शुभमन गिल की सेंचुरी मेरे ख्याल से इन हाईलाइट ऑफ द इनिंग थी गुजरात टाइटंस के लिए। लेकिन शुभमन गिल की दाद देनी पड़ेगी, आज बड़ी खूबसूरत सेंचुरी थी, और ना कि ये वो सेंचुरी थी जो कि लॉक के ऊपर बेस करती थी। ये सेंचुरी प्योर एक बैट्समैनशिप की मिसाल थी, जो शुभमन गिल की क्वालिटी है। दो शुभमन गिल इस 2023 के अंदर सबसे ज्यादा सेंचुरी मारने वाला प्लेयर बना हुआ है फिल वक्त के लिहाज से। ये रुकनीडा ये मारे जा रहा है, और ये ऐसा मार रहा है कि इसका जिसको कहते हैं ना जवाब ही नहीं है। शुभमन गिल काबू ही नहीं आ रहा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों कल शुभमन गिल ने क्या ही पारी खेली, मात्र 58 गेंदों पे 101 रनों की पारी खेली, और इसी के साथ शुभमन गिल ने अपना पहला शतक टाटा आईपीएल में कंप्लीट किया। हालांकि शुभमन गिल ऑल फॉर्मेट में शतक लगाने वाले बल्लेबाज है, जो कि भारत के 5वें बल्लेबाज है, और शुभमन गिल इस साल बहुत ही ज्यादा शतक लगाए, क्योंकि ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जो कि शुभमन गिल के जितने इस साल के शतक लगाए। जो शुभमन गिल ऐसा कंप्लीट बैट्समैन बन गया है जो किसी भी फॉर्मेट में खेल सकता है। तो दोस्तों ओवरऑल शुभमन गिल के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और चलिए फिर देखते हैं। पाक मीडिया भी सुख नहीं बैठा होगा, तो पाक मीडिया ने क्या कहा शुभमन गिल को लेकर, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। गिल है कि मानता नहीं, सेंचुरी के अलावा ये कुछ जानता नहीं। तो जनाब गुजरात टाइटंस ने पहले बैटिंग करते हुए 188 स्कोर बना लिए हैं, और क्या कमाल की और लाजवाब बैटिंग किया है शुभमन गिल ने। 101 स्कोर, 58 बॉलों का सामना किया, 13 चौके, 1 छक्का और 174 का स्ट्राइक रेट। भाई ये बंदा नया किंग है, ये आने वाले वक्त का विराट कोहली है, मुझसे लिखवा लो। जिस तरह से ये बंदा बैटिंग करता है, T20 में 100 बना लिया भाई, ODI में 200 बना लिया, 208 स्कोर, टेस्ट में 100 बना लिया, अब IPL में 100 नहीं था, पहला 100 IPL में भी बना लिया। अब अगर देखें तो गुजरात टाइटंस की जानिब से पहला ये खिलाड़ी बनाया भाई 100 बनाने वाला। इससे पहले गुजरात टाइटंस के किसी खिलाड़ी ने कभी जाओ IPL में 100 नहीं बनाया था, लेकिन शुभमन गिल ने ये काम भी खुद किया, और ये जो कारनामा है ये इन्होंने अपने नाम जो रख लिया है। क्या लाजवाब खेलता है यार ये बंदा। अब शुभमन गिल को देखें आप, के क्या ये देखिए यार बॉल की पिटाई भी कर देता है ये, और बॉल को भी पता नहीं चलता कि मेरी पिटाई हो गई है। इनकी गैप शॉट कोई रिस्क नहीं लेता भाई, कोई ये नहीं कि हर बॉल पे छक्का मारना है, बिल्कुल चौके और बगैर रिस्क के ये खेलता है। और फिर भी जो लोग कहते हैं यार छक्के मार के आप जो 200 के स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं, उनको इसने बताया है कि भाई सिर्फ छक्के नहीं, आप चौके मार के, आप क्रिकेटिंग शॉट्स खेल के भी जो आप 200 के स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं। हमारे कुछ किंग बने हुए हैं ना जो पावर प्ले में आके ठुक 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 करके ये कहते हैं यार हमारा काम ही नहीं है छक्के मारना, हम तो क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं। भाई क्रिकेटिंग शॉट्स खेल के भी आप 180 200 का स्ट्राइक रेट मेंटेन रख सकते हैं। ये देखिए शुभमन गिल क्या लाजवाब खेलता है भाई, आते सात अटैक करता है। आज आप देखें कि फजल फारूकी को जिस तरह से वो चार बॉलों पे चार चौके लगा दिए, 18 स्कोर उसके पहले ओवर में लगा दिया, और चार बॉलों पे चार चौके लगातार जोड़ के मार दिए, यार अनबिलीवेबल ये बैटिंग कर रहा है। ये 2023 शुभमन गिल के नाम है, और जिस तरह की फॉर्म में ये बंदा जा रहा है ना, तो आगे वर्ल्ड कप में ये अपना नाम जो है बहुत बड़ा करने वाला है, और ये इंडिया को वर्ल्ड कप में बहुत कुछ करके देने वाला है, आप मुझसे लिखवा के रख लें, क्योंकि इसमें टैलेंट नजर आता है। ये बंदा उस तरह का नहीं है कि एक मैच में जो है 50 बना लिया, अगले चार मैच फेल हो गया और गिनता रुक गया यार मैंने 50 बनाया था। हर मैच में कंसिस्टेंसी के साथ खेलता है, और सबसे बड़ी अच्छी बात इसकी मुझे ये लगती है कि ये जो है वो 50 को सेंचुरी में तब्दील करने की हिम्मत रखता है। शुभमन गिल, ओहो शुभमन गिल, मैं कहूँ ना 2023 शुभमन गिल के नाम हुआ होगा तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। शुभमन गिल ने 2023 को अपने नाम करवाया है। एक तो होता है ना लोग जिसको कहते हैं कि किस्मत होती है कि खुद ब खुद उसकी तरफ आती है, लेकिन इसने खुद उसकी तरफ गया है, इसने अपनी लक को जीता है। 2023 की शुरुआत से लेके अभी तक शुभमन गिल कितनी सेंचुरियां मार गया, कोई अंदाजा है आपको? शुभमन गिल इस 2023 के अंदर सबसे ज्यादा सेंचुरियां मारने वाला प्लेयर बना हुआ है फिल वक्त के लिहाज से। ये रुकनीडा ये मारे जा रहा है, और ये ऐसा मार रहा है कि इसका जिसको कहते हैं ना जवाब ही नहीं है। शुभमन गिल काबू ही नहीं आ रहा, एक और 100 मार दिया फर्स्ट इन हिज IPL करियर। IPL करियर का जिसको कहते हैं ना पहला 100 मारा है, 100 जिसको कहते हैं 57 बॉल्स के ऊपर आया, लेकिन 100 बड़ा 100 है ये तो मानना पड़ेगा। शुभमन गिल की अगर बात करें तो भाई बात तो सिंपल सी है, टैलेंट तो लड़के में है, लड़के में टैलेंट है साफ नजर आता है, टैलेंट बोलता है और इसका टैलेंट बोलता है, क्योंकि जब आज इसने स्टार्ट लिया था 14 बॉलों के ऊपर 31, तभी पता चल रहा था कि शुभमन गिल में आज दम है। शुभमन गिल आज अलग मोड से है, पिछले एक इनिंग्स के अंदर 95 पे भी ये आउट हो गया था, लेकिन नोट आउट किया था, लेकिन आज इसको कहते हैं ना उसने पूरी की कसर अपनी, उसने सेंचुरी मारी। बात ये कि शुभमन गिल कैसे रुकेगा, क्योंकि वर्ल्ड कप का साल है,
वर्ल्ड कप का साल है ऑलरेडी, ओडीआई के अंदर सेंचुरी मारती है, टी20 के अंदर सेंचुरी मारती है, टेस्ट के अंदर सेंचुरी मारती है और आईपीएल के अंदर भी सेंचुरी मारती है, तो ये बंदा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। इसके बाद दोबारा सीरीज शुरू होनी है, उसमें भी सेंचुरियां मार देगा, उसके बाद एशिया कप आएगा उसके अंदर भी सेंचुरी मार देगा, वर्ल्ड कप आएगा तो वर्ल्ड कप के अंदर प्लेयर जिसे कहते हैं प्लेयर टू बी वॉच वो शुभमन गिल हो सकता है, क्योंकि ये जिस किस्म की फॉर्म के अंदर आया हुआ है ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। इस आईपीएल के अंदर शुभमन गिल के 500+ रन हो चुके हुए हैं, ये अभी तक का उसका सबसे अच्छा आईपीएल जा रहा है और स्ट्राइक रेट भी अच्छा चल रहा है उसका। लेकिन शुभमन गिल की सेंचुरी मेरे ख्याल से इन हाईलाइट ऑफ द इनिंग थी गुजरात टाइटंस के लिए। शुभमन गिल की सेंचुरी से आज ये चीज सीखनी पड़ेगी इनके ही टीम मेंबर को कि जरूरी नहीं होता कि आपने हर बॉलें आके हिट आउट कर दिया। शुभमन गिल की अगर मैं सेंचुरियां आप लोगों के सामने बाइसेक करने की कोशिश करूं तो उसने 101 रन बनाए 58 डिलीवरीज के अंदर, जिसमें 13 चौके थे और एक छक्का था। 13 चौके और एक छक्के का मतलब है कि 14 डिलीवरीज में उसने तकरीबन कोई 58 रन यहां जोड़े। कितनी? 14 डिलीवरीज के अंदर। शुभमन गिल ने टोटल डिलीवरीज कितनी खेली? 58 में से 14 माइनस करें तो पीछे डिलीवरीज बचती हैं 44, और 101 में से अगर मैं 58 रन माइनस करता हूं जो के डिलीवरी जो के रन्स हैं बाउंड्री की बॉल्स पे स्कोर किए हुए, तो बाकी बचती हैं 44 बॉल्स, और 44 बॉल्स में कितने रन शुभमन गिल ने यहां जोड़े? तकरीबन 58 रन वो और 47 रन, तो 44 बॉलों में 47 रन। ये आपको टारगेट एहसास दिलाता है कि कभी कभार अगर आपके लिए कंडीशंस मुश्किल हो और आप हिट आउट करने की चांस अपने आप को बैकआउट ना कर सके तो आप सिंगल डबल निकाल के भी यहाँ गेम स्ट्राइक रोटेट कर सकते हैं। डिस्पाइट दोस फैक्ट क्या शुभमन गिल की सेंचुरी के अंदर जो सबसे अच्छी बात थी कि 22 बॉलों में 50 आया, लेकिन इस 22 बॉलों में 50 में एक भी छक्का मौजूद नहीं था, सब उसकी क्वालिटी शॉट्स और टाइमिंग के बदौलत ये सारी उसको कन्वर्जन मिली, क्योंकि मे बी द पिच वाज नॉट दैट इजी टू स्कोर दैट मेनी रन्स, बट मे बी शुभमन गिल हैज मेड इट सो इजी एंड सो प्लीजेंट टू बी टुवर्ड्स द आईज, कैसा लग रहा था कि जैसे ये तो कोई बहुत ही बड़े आज बैटिंग पैराडाइज में खेल रहा है जहां तो रन ही फ्लो है, रन ही है, रन ही है। लेकिन शुभमन गिल की दाद देनी पड़ेगी, आज बड़ी खूबसूरत सेंचुरी थी, और ना कि ये वो सेंचुरी थी जो कि स्लॉग के ऊपर बेस करती थी, ये सेंचुरी प्योर एक बैट्समैनशिप की मिसाल थी जो शुभमन गिल की क्वालिटी है। दो मैचों बाद आज वो मैच में शुभमन गिल की आईपीएल की सेंचुरी भी पहली बनी और एक जो स्टेटमेंट सेट करनी थी शुभमन गिल ने उस टूर्नामेंट के अंदर, क्योंकि उस टूर्नामेंट को स्टार्ट होने से पहले शुभमन गिल एक राइज के ऊपर है, टेस्ट में इसने सेंचुरी की, ओडीआई में डबल सेंचुरी की, टी20 में सेंचुरी की, अपना सेंचुरीज का बुके मुकम्मल किया, फिर आईपीएल में आया, थोड़ी सी इनिशियली उसको इनिंग जरूर मिली, रन वाली इनिंग मिली, लेकिन उतनी फ्री फ्लो इनिंग्स नहीं थी जो शुभमन गिल की इमेज बन चुकी थी दैट यस ही इज हियर विद दैट काइंड ऑफ एन इमेज, कि अब इंडिया कॉल फॉर्मेट ओपनर है, ये बुली करेगा बॉलर्स को। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टूर्नामेंट जहां ग्रुप स्टेजेस का इख्तिताम चल रहा है, शुभमन गिल इज फाइंडिंग हिज मोजो, और बहुत इस चीज की खुशी है कि आज एक ऐसी इनिंग्स थी जो कि लोग देख के सीखे। और अगर कोई भी टी20 के अंदर 175 के स्ट्राइक रेट से सेंचुरी करता है तो आप बोलते हैं इसने तो बड़ी मारदाड़ की होगी, लेकिन टेक्निकली आज शुभमन गिल ने इतनी मारदाड़ नहीं की जितना उसने दिमाग खोल के आज बैटिंग की है। 14 बॉलों के ऊपर उसने 58 रन जोड़े हैं जो कि 13 बाउंड्रीज होती हैं जो कि 52 रन बनते हैं, और एक छक्का जो कि 58 बनते हैं 14 डिलीवरीज के ऊपर। उसके अलावा 44 डिलीवरीज उसने खेली जिसके अंदर उसने 57 रन अपने जोड़े हैं, सो आई गेस इट्स अ लेसन फॉर एवरी अदर बैटर। और आज शुभमन गिल का एक और फायदा हुआ क्योंकि 44 बॉलें उसने कंज्यूम की 47 रन के लिए, तो एनी शोज के टीम के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं किया, बिकॉज आज लिटरली डॉट बॉल परसेंटेज देखिए शुभमन गिल की वो तो माइनस में बनती है, बिकॉज ही हैज नॉट नेगेटिव इंपैक्ट नहीं अपनी टीम के ऊपर और अपने ऊपर लिया बिकॉज ऑफ दिस डॉट बॉल। खैर दिस इज व्हाट इट इज, इट्स अ ग्रेट इनिंग्स, होप टू सी हिम कंटिन्यू द वे इन द नेक्स्ट मैचेस एज वेल, और बड़ा इंपॉर्टेंट होगा शुभमन गिल की अपनी इंडिविजुअल बैटिंग फॉर्म भी डब्ल्यूटीसी फाइनल से पहले। तो शुभमन गिल ने मतलब तबाही फेर दिया ना, मतलब नरेंद्र मोदी स्टेडियम का अगर किसी को बादशाह कहना ना तो उसका नाम है शुभमन गिल। भाईजान अपना T20 इंटरनेशनल का पहला 100 अगेंस्ट न्यूजीलैंड इस ग्राउंड में, इस आईपीएल का दूसरा 100 इस ग्राउंड में, पहला 100 चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ इसी ग्राउंड में, दूसरा 100 आज सनराइजर्स हैदराबाद इसी ग्राउंड में, मतलब बादशाह यार, बादशाह बंदा है। और वाकई ही इस टाइम जो वर्ल्ड क्रिकेट में अगर आप करंट बेस्ट प्लेयर देखें ना, जो बेस्ट प्लेयर है, जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है तीनों फॉर्मेट का, उसका नाम है शुभमन गिल। लिटरली कसम उठा रहा हूं, मेरा बहुत फेवरेट प्लेयर है, मैं बहुत ज्यादा शुभमन गिल की बैटिंग को पसंद करता हूं, मुझे बहुत पसंद है यह बंदा। अगर विराट कोहली के बाद मैं किसी को पसंद करता हूं ना इंडिया में या ऑल ओवर द वर्ल्ड इस टाइम, यकीन करें उसका नाम शुभमन गिल है। मतलब क्या टाइमिंग है लड़के की, और क्या दोता लगाया उसने, रियल सुपरस्टार है।